अस्सलामु अलैकुम। पंजाब के वो तुलबा व तालिबात जिन्होंने पंजाब के सरकारी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में सेशन 2023-24 के दाखिलों के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया है, उनके लिए हम खबरें हैं। UHS ने प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी की थी और फिर उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट भी जारी कर दी। UHS की फाइनल मेरिट लिस्ट को देखा जाए तो टॉप 3500 स्टूडेंट में से सिर्फ 931 स्टूडेंट फ्रेश हैं, जबकि रिपीटर स्टूडेंट की तादाद 2569 हैं। यू फ्रेश स्टूडेंट सिर्फ टॉप 3500 का 26% हैं और रिपीटर 73.40% हैं। यानी ज़्यादातर तलबा UHS में रिपीटर सेलेक्ट हुए हैं। इसका मतलब ये है कि जो स्टूडेंट इस साल सेलेक्ट नहीं हुए उनके लिए आने वाले साल में काफ़ी चांसेस होते हैं सेलेक्ट होने के, तो वो दिल बर्दाश्त ना हो और अपना तैयारी और स्टडी जारी रखें। UHS ने फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करने के बाद अपडेटेड फाइनल मेरिट लिस्ट जारी किया और फिर कॉलेज वाइज मेरिट लिस्ट जारी किया अपडेटेड फाइनल मेरिट लिस्ट की बुनियाद पर। लेकिन कल रात उसको दोबारा हटाया, रिमूव किया अपने वेबसाइट से। UHS हर साल ऐसा ही करती है, इस साल भी चाहे प्रोविजनल मेरिट लिस्ट हो या फाइनल लिस्ट हो, रात की तारीकी में अपलोड करते हैं। फिर फाइनल लिस्ट के बाद अपडेटेड फाइनल मेरिट लिस्ट आती है। अब कॉलेज वाइज मेरिट लिस्ट अपलोड किया और फिर बग़ैर बताए ख़ुद ही वेबसाइट से मिटा दिया, यानी रिमूव किया। क्या UHS से कोई पूछने वाला नहीं है? यानी पहले उन्होंने कॉलेज वाइज पहला मेरिट लिस्ट जारी किया लेकिन फिर रिमूव किया। UHS ने दोबारा वेबसाइट पर लिस्ट अपलोड कर दी है कॉलेज वाइज। डिस्ट्रिक्ट कोटा वाली सीट्स पर तब्दीली नज़र आ रही है, जबकि ओपन मेरिट की सीट पर कोई तब्दीली नज़र नहीं आ रही। चेक कॉलेज वाइज लिस्ट ऑन UHS पोर्टल कॉलेज वाइज लिस्ट। ये कॉलेज वाइज लिस्ट है UHS का। हेयर इज़ द फर्स्ट कॉलेज वाइज लिस्ट विद एग्रीगेट एंड रैंक फॉर MBBS सेशन 2023-24। KEMU लाहौर, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर, रैंक 491 और एग्रीगेट 93.695%। नंबर टू अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर, एग्रीगेट 92.934%, जबकि रैंक 1003। नंबर थ्री RMC रावलपिंडी, 92.384% एग्रीगेट है वहाँ और 1526 रैंक। नंबर फोर SIMS लाहौर, 92.384% ये एग्रीगेट है। नंबर पाँच NMC मुल्तान, 92.236% एग्रीगेट है, 1710 ये रैंक हैं। लिहाजा 1526 और 1710 ये दोनों SIMS और NMC के रैंक हैं। नंबर छः AMC लाहौर, 91.936% एग्रीगेट है, जबकि 2005 ये रैंक हैं। नंबर सेवन FJMC लाहौर, 91.673% एग्रीगेट, 2406 ये रैंक हैं। नंबर एट PMC फैसलाबाद, 91.6273% एग्रीगेट, 2475 ये रैंक। नंबर नाइन QAMC बहावलपुर, 91.545% ये एग्रीगेट है, 2671 ये रैंक है। नंबर टेन NSMC गुजरात, 91.355% ये एग्रीगेट है
और 2,923 शेयर रैंक है। नंबर 11 IGMC गुजरांवाला 91.4864% के एग्रीगेट है, 2703 ये उनका रैंक है। और 12 नंबर KMSMC सियालकोट 91.4273 ये एग्रीगेट है और 2794 ये उसका रैंक है। नंबर 13 SMC साहिवाल 91.3682% ये एग्रीगेट है, 2894 रैंक है। नंबर 14 SMC सरगोधा 91.3182% एग्रीगेट है, 2669 उनका रैंक है। और नंबर 15 ZMC RYK 91.2409% एग्रीगेट, 3102 ये रैंक है। नंबर 16 DGMC 91.2318% एग्रीगेट और 3117 उसका रैंक है। ये भी उनका कॉलेज वाइज समरी है। एक किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज लाहौर और फिर अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज, रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज और सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लाहौर, निश्तर मेडिकल कॉलेज मुल्तान, ये अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज लाहौर और फातिमा जना मेडिकल कॉलेज लाहौर, पंजाब मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद, कादी आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर, गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज गुजरांवाला और ख्वाजा मोहम्मद सफदर मेडिकल कॉलेज सियालकोट, साहिवाल मेडिकल कॉलेज साहिवाल, सरगोधा मेडिकल कॉलेज सरगोधा और नवाज़ शरीफ मेडिकल कॉलेज गुजरात, शेख जैद मेडिकल कॉलेज रहीम यार खान। और ये आखिर में डी जिहान मेडिकल कॉलेज डी जिहान। ये तो सरकारी मेडिकल कॉलेजेस हैं और ये उसका एग्रीगेट है जो इससे पहले मैंने बता दिया। हर कॉलेज की अलग अलग उसके सामने एग्रीगेट दी गई है, ये आप चेक कर सकते हैं उनके वेबसाइट पर भी। ये UHS के डिस्ट्रिक्ट कोटा सीट जो है उनकी तफसील है, डिस्ट्रिक्ट वाइज क्लोजिंग रैंक और क्लोजिंग एग्रीगेट। ये जो मुख्तलिफ और डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ रैंक क्या रही, क्लोजिंग और एग्रीगेट क्या रही, ये भी तफसीलन उसके वेबसाइट पर मौजूद है। जिन स्टूडेंट का रैंक 3090 तक है वो स्टूडेंट UHS की पहली कॉलेज वाइज सिलेक्शन लिस्ट में सेलेक्ट हो चुके हैं। आप चेक कर सकते हैं कॉलेज वाइज लिस्ट UHS के पोर्टल कॉलेज वाइज लिस्ट पर, eportal.uhs.edu.pk। ये एफिडेविट टेम्पलेट है फॉर एडमिशन इन मेडिकल कॉलेज इन पंजाब। जिनको भी पंजाब के मेडिकल कॉलेजों में दाखिला मिल जाए तो वो ये एफिडेविट इस तरीके से अपने डॉक्यूमेंट के साथ जमा करेंगे। ये अब तक UHS से रिलेटेड अहम खबरें थी।